राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के सभी अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता केंद्र के आह्वान पर 13 सूत्रीय मांग को लेकर गुरुवार से 48 घंटे के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर पर उपवास पर बैठ गए। उपवास पर बैठे सभी अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायकों ने कहा कि विभाग में आउटसोर्सिंग में रखे जा रहे इंजीनियर की भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त किया जाए या व्यवस्था विभाग को निजीकरण की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन से लड़ेंगे। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र होगा। इस अवसर पर इंजीनियर अमित प्रताप सिंह, सचिव कुशीनगर, इंजीनियर रमेश सिंह, तुषार सिंह, इंजीनियर राम इकबाल, प्रिंस पाठक, राजीव कुमार, गौतम कुमार, मृत्युंजय शर्मा सहित भारी संख्या में अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, ये तो काम होगा कैसे, क्षेत्र में से TG2 है, कौन दिखता है तो आसानी पड़ रहा है क्या? पेंटर लाइट पे घर में घुस गया, बोला भी कनेक्शन है, बोला है नहीं है, नहीं है। हम बोले तो तुम्हारे कनेक्शन है तो मीटर क्यों ले लिए, उसे नहीं बोले। इतने जब बृहद स्तर पे एजेंसियां लगा रही है तो सिंगल स्तर पे एक JEE चाहे एक उनको कुछ उंगली करिए कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो सीधे MD, अगर उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वहां पर पुनः जो है वहां पर बैठ करके जो धरना कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। द्वारा हमारे पर व्यवस्थित थोपी जा रही है, हर चीज में हमें गलत बताया जा रहा है। राजस्व नहीं आया उसका दोष हमारा, शासन की अगर कोई प्रोग्राम्स है उसमें अगर असफलता हुई तो दोष हमारा, लेकिन क्या करना है कैसे प्रोग्राम बनाने वाले वो दोषी नहीं है। आप जान रहे हैं कुछ को नहीं, आप कहते हैं मेरे पास दबाव था इसे ठेका दे दिया, आपके पास चीफ साहब इतना दबाव है कि ठेका दे दिया, MD साहब आपके पास इतना दबाव है तो उसको ठेका देने को मजबूर हो गए और यही से कहते उसे विरुद्ध लिखो। ब्लैक लिस्ट कंपनियां हैं उनको आपने बिलिंग एजेंसी दे दी, जब ब्लैक लिस्ट अपने द्वारा ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आप बिलिंग देंगे काम देंगे। अजय कुमार, ये हमारा आंदोलन 15 तारीख से ही चल रहा है, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे से शुरू हुआ है। इसकी हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, उसके अतिरिक्त भी हमारी तमाम समस्याएं हैं जिसमें हमारे लिए कोई न संसाधन है। बिजली चलाने की पूरी जिम्मेदारी 24 घंटा बिजली देना है लेकिन बिजली चलाने के लिए कोई सामान उपलब्ध नहीं है, आए दिन चेकिंग में मारपीट हो रही है, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सुरक्षा है। उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। उसी के लिए हमारा ये 12 सूत्री मांग पे ये आंदोलन की रूपरेखा तय हुई थी, जिसके तहत ये चौथा चरण है आज हमारा आंदोलन का। इसके पहले हम 15 तारीख से एक घंटे का हर ज़िले में प्रदर्शन कर रहे थे, 18 तारीख को हमने 2 घंटे का 3 बजे से 5 बजे तक सारे खंडी कार्यालयों में प्रदेश भर के अपना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सीधे चेयरमैन को भिजवाया। उसके बाद हमारा 22 तारीख को 24 घंटे का सामूहिक उपवास रहा जिसमें जिले भर के सभी मतलब JEE और प्रोन्नत अभियंता, जिले की जो सबसे बड़ी ऑफिस थी बिजली विभाग की उसके समक्ष 24 घंटा बिना खाए पिए उपवास पे रहे। उसके बाद आज हमारा ये चौथे चरण में आज 27 तारीख को 10 बजे से शुरू हुआ है, ये 48 घंटा हम सामूहिक रूप से उपवास कर रहे हैं। इसमें हमारे चारे जिले गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज के सभी लोग उपस्थित हैं। हमारा ये आंदोलन 29 तारीख को सुबह 10 बजे ख़त्म होगा। अगर इसके पहले सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पे सारे डिस्काम मुख्यालयों पे, प्रदेश के सारे डिस्काम मुख्यालयों पे सारे लोग एक साथ 48 घंटा का पुनः उपवास रखेंगे और अगर इसके बाद भी नहीं मानी जाती है तो उसी जगह पे फिर अगले चरण के आंदोलन की घोषणा की जाएगी।